नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेनाटोमी पर। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लग्जर का ये नेविगेटर इंकी ग्लाइड, जो कि एक 50 रुपीज़ में, महज 50 रुपीज़ में मिलने वाला एक फाउंटेन पेन है। काफ़ी सारे पेन हैं मार्केट पर इसी अंदाज से बनाया हुआ, और हर एक का कैप को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी बिल क्वालिटी लगभग सेम रहता है। तो ये है, बहुत ही लाजवाब ग्राफिक्स में है नेविगेटर। तो चलिए अभी देखते हैं। 3 लॉन्ग कार्ट्रिजेस इसके साथ इंक्लूडेड है, और पूरे के पूरे जो बॉडी है वो बॉडी प्लास्टिक मेड है। इसको साइड करते हैं, और ये है पेन। तो पेन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये फाइन नीब में आता है। इसकी अगर ग्रिप की बात करें तो ये ग्रिप काफ़ी अच्छा ग्रिप है, अच्छे से सभी के हाथों में आ जाएगा। हालांकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पेन बहुत ही बढ़िया है, और उन्हीं को बेस करके ये पेन बनाया गया है। और इस तरीके की काफ़ी सारे पेन आपको मार्केट पे मिलेगा, बिल्कुल यही अंदाज पे बनाया हुआ। लेकिन एक ही चीज़ जो अलग होता है वो है उसका ग्राफिक्स और कैप, और बाकी सब चीज़ें लगभग सेम ही होते हैं। सेम ब्रांड का ही आपको दूसरा पेन भी मिल सकता है, सिर्फ ग्राफिक्स अलग होगा। तो दोस्तों चलिए, अब ये है कन्वर्टर जो है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ कार्ट्रिजेस दिया गया है, लेकिन ये कार्ट्रिजेस को आप रिफिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको इंक इसमें डालते हैं और देखते हैं ये लिखता कैसा है। तो चलिए मैंने इसको डाल दिया, और अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि जो इंक है वो आ जाए। तो ये देखिए, इंक का फ्लो हो गया है सामने तक, और अगर इंक आ जाता है तो हम इसकी जो राइटिंग इम्प्रेशन है वो देख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी होगा, और उसके बाद इसकी राइटिंग इम्प्रेशन को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो अब तक शायद ये हो चुका है, तो चलिए राइटिंग इम्प्रेशन को देखते हैं। हाँ जी हाँ, ये हो चुका है। तो चलिए इसके राइटिंग इम्प्रेशन को देख लेते हैं, और इसको पहले मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ पेन। हालांकि कैप मुझे रेड के साथ जो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, जो बात सही है वही बोल रहा हूँ। तो बाकी चलिए, लेट्स फॉल इन लव विद दिस पेन। तो लिख के देखते हैं कैसा होता है ये। और ग्रिप तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, हाथ में बहुत अच्छे से आ रहा है, और हाँ ये काफ़ी स्मूथ है, लेकिन फाइन नीब जो भी होना चाहिए लेकिन फाइन नीब जैसा नहीं है। मीडियम नीब जैसा ही जो इंक फ्लो है काफ़ी अच्छा है, और मीडियम नीब जैसा ही लिखता है, और लिखने में भी फीलिंग मीडियम नीब के ही आ रहा है। फाइन नीब की जो एक अलग सी महसूस एक एहसास होता है वो उसमें मुझे फीलिंग्स नहीं आ रहा है। लेकिन फॉर द बिगिनर, फर्स्ट टाइम यूज़र या फिर स्टूडेंट के लिए ये पेन बिल्कुल सही होगा। तो मैंने JK का 75 GSM जो पेपर है वहाँ पर मैं इसमें लिख रहा हूँ, और मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि थोड़ी सी शॉक कर रहा है पेपर। तो अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो ये पेन काफ़ी इंक छोड़ सकता है, और ये आपके पेपर्स को गीला भी कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो पेपर में आप लिखें वो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का हो, तो चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज़ पेन की जो इंक फ्लो है अच्छा है, ये वेट है, और इस तरह से होने से अच्छा होता है क्योंकि जो इंक फ्लो है वो एडिक्वेट रहता है। तो बस इतना ही है इस पेन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाइए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही लग्जर इंकी ग्लाइड नेविगेटर को लेकर। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।